हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज आप लोगों के लिए हम आरएएस प्री एग्जाम 2018 का पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर 2018 में हुआ है, उसके बाद अभी तक पेपर आरपीएससी ने आरएएस का नहीं लिया है और अभी हाल में नोटिफिकेशन को जारी किया है, और जिसकी जो फॉर्म डेट है वो 27 तारीख से शुरू हो जाएगी। आप सब लोगों को पता होगा ही, और उसका एग्जाम हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट में हो, ठीक है, लास्ट अक्टूबर की हो जाए। तो इससे पहले हम लोग 2018 का पेपर को देख लेंगे कि 2018 में पेपर आरएएस में आरपीएससी में किस तरह का आया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ गाइडलाइन देख लेते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं कि आरएएस का जो पेपर होता है उसमें 3 घंटे का समय होता है, ये बात आप याद रखना है। और 3 घंटे का समय होता है और इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना है, 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के अंदर करने होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। तो टाइम हमारे पास सफिशेंट होता है कि 150 क्वेश्चन है और 3 घंटे का समय है, ठीक है। तो इसमें एक ही पेपर होता है और प्रीलिम्स में दो पेपर नहीं होते हैं जैसे यूपीएससी में सी सेट होता है और बाकी जगह जैसे यूपीपीएससी है या बीपीएससी है, एमपीपीएससी है। तो इसमें प्रीलिम्स में केवल एक ही पेपर होता है और वो भी 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 200 नंबर का होता है और 3 घंटे का समय होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें क्या है। क्वेश्चन को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आगे आपको तैयारी कैसे करनी है, आगे आपको किस लेवल पे जाना है और किस किस एरिया से क्वेश्चन कम और ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। जो कांग्रेस का नागपुर सत्र था 1920 का, उसमें कांग्रेस की प्रांतीय समितियों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। जैसे मान लो तमिलनाडु में तमिल लोगों को रखा गया है ना, उड़ीसा में उड़ीसा के लोगों को रखा गया, तो ये बात सही है। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है, तो ये सेंटेंस सही है कि कौन सा वो सत्र था जिसमें कांग्रेस कमेटियों को भाषा के आधार पर चुना गया था। जैसे मान लीजिए राजस्थान में तो राजस्थान के लोगों को रखा गया, महाराष्ट्र में तो जो जो मराठी बोलते हैं उनको रखा गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा में कोई कांग्रेस कमेटी बना दी और उसमें हरियाणा के लोगों को रख दिया, नहीं। तो पहली बार 1920 में ऐसा किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, तो ये बात भी सही है। कांग्रेस ने बोला था 1948 में कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जबकि भाषा के आधार पर भी 1953 में आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ है, ठीक है, तो आपको याद है। तो इसका दोनों आंसर सही है, यानी 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, भाषा के आधार पर पहली बार कांग्रेस ने ये मना कर दिया कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो मिनांडर जो शासक है, जो एक बात मैं आपको याद रखू, मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक है और इसके बैराट से 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट जो राजस्थान में, वहां से तो मिनांडर से आप याद रखिएगा कि ये बौद्ध शासक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो गुर्जर प्रतिहार आपको पता है कि जब कन्नौज का शासन समाप्त हो गया, जो पुष्यवर्धन जो वर्धन वंश का समाप्त हो गया, तो उत्तर भारत में 3 राजवंश विकास में आए थे। एक तो गुर्जर प्रतिहार और दूसरे पाल और तीसरे राष्ट्रकूट, जिन्होंने तीनों ने मिलकर कन्नौज पर शासन करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, युद्ध लड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ठीक है, उसका राइट आंसर है इसमें। पूछा है कौन
कि गुर्जर शासक, तो गुर्जर शासक नागभट्ट भी है, महेंद्रपाल भी है, देवपाल भी है, तो ये नहीं है, है ना। भर श्रव भट्ट, तो ये शासक नहीं है, तो राइट आंसर इसका होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, ये क्वेश्चन एंशियंट से है और ये भी क्वेश्चन एंशियंट से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो ये राजस्थान कल्चर से क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको राजस्थान कल्चर भी देखना है, राजस्थान कल्चर से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों, पूर्व मध्यकालीन का मतलब है ये 700 AD से लेकर 1000 AD की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बात कर रहे हैं। तो वो क्या इसमें है, राजकीय कवि के लिए, नैमित्तिक पद किसके लिए बोला जाता था, राज्य राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए। तो राजकीय ज्योतिष के लिए बोला जाता था नैमित्तिक, है ना, नियमित मतलब ज्योतिष के लिए, ठीक है। तो ये राजस्थान कल्चर से, हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। देखिए ये भी राजस्थान से क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है आपको। देखना है कि अगर राजस्थान से क्वेश्चन ज्यादा है तो आपको राजस्थान पे ज्यादा फोकस करना है। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक। आपको पता है कि केसरी सिंह बरहट, तो केसरी सिंह बरहट जो है इनको प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, और विजय सिंह पथिक इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि राजस्थान का गांधी विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, इसका नाम था बिजोलिया। तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को, और इन्होंने बिजोलिया मूवमेंट चलाया था राजस्थान में। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन राजस्थान से है। तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बरहट को सजा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देशी रियासत जो कि 15 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका स्टेट से आया है, स्टेट से राजस्थान से आया है। तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के हिस्सा नहीं थे, तो कौन सी ऐसी वो रियासत है। ठीक है, तो इसमें है बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो उसमें उदयपुर है, ये 1948 की संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, यानी उस समय उदयपुर जो है रियासत है वो राजस्थान से अलग थी। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन जाए कि संयुक्त राजस्थान जो 1948 को बनाया गया उस समय कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी, तो दैट वाज उदयपुर। त्याग भूमि के संपादक कौन है, ठीक है, हु वाज द एडिटर ऑफ त्याग भूमि। तो ये भी आपका क्वेश्चन राजस्थान से है, आप देख रहे हैं राजस्थान से क्वेश्चन ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषि दत्त मेहता। तो इसका राइट आंसर है 8 का हरिभाऊ उपाध्याय। तो हु वाज द एडिटर ऑफ द त्याग भूमि, तो त्याग भूमि एक पत्रिका है, ये बुक है, तो उसके हरिभाऊ उपाध्याय संपादक थे। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, कामेश्वर महादेव एक्चुअली मंदिर है, और ये भी क्वेश्चन देखिए राजस्थान से है। ठीक है, कामेश्वर मंदिर कहाँ पर है, शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, पीपला माता का मंदिर कहाँ पर है, नीलकंठ का मंदिर कहाँ पर है, ये राजस्थान कल्चर से क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो इसमें 1 का डी सही है, यानी कमलेश्वर मंदिर जो है वो पाली में है, और बी का शीतलेश्वर मंदिर जो है वो जोधपुर में है। ठीक है, तो बी सेकंड का बी है, और उसके बाद आई थिंक आंसर समझ, हाँ सेकंड का शीतलेश्वर मंदिर, सेकंड का सॉरी सी है, तो उसका बी आंसर है। मतलब आप देख लीजिए एक बार क्या है इसका, सबका आप लोग नोट भी करते जाइएगा। तो यानी
जो जो कमलेश्वर है वो कहाँ पर है, पाली में, ठीक है, तो ये पाली में है। और उसके बाद ये शीतलेश्वर है, ये झालवाड़ा में है, झालवाड़ा में है। और पीपला माता का मंदिर जोधपुर में है, और नीलकंठ का मंदिर अलवर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, कल्चर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिर में से कौन सा एक जैन मंदिर है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका राजस्थान से है, तो कुंभ श्याम मंदिर, 720 देवरी का मंदिर, समृद्धेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तो पूछा है चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा मंदिर जैन मंदिर है, ठीक है। तो 10 का इसमें राइट आंसर है सी, 720 देवरी का मंदिर। तो देखो क्या होता है, एग्जाम में कभी ये भी पूछ सकता है 720 देवरी मंदिर कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है। और ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा मंदिर जैन धर्म संबंधित है, तो 720 देवरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऐसे आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप, हाँ एक चीज मैं और बता दूं आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र का अलवर शैली चित्रकला से संबंध नहीं है, जमुना दास, नानक राम, बक्साराम, नंदराम। तो कौन सा पर्सन है जो अलवर शैली का नहीं है, विच फॉलोइंग द पेंटर डज नॉट बिलोंग टू द अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये है जमुना दास। जमुना दास नहीं है, बाकी सब हैं। तो आप इनको नोट करके रखिएगा, नानक राम, बक्सर राम, नंदराम, ये सारे अलवर शैली से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये एक बुक है और इसके लेखक हैं, तो बोल भारमली, पागी, कोड मदे या फग फेरो। तो पूछा कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो यानी एक गलत होगा तो बाकी तीन सही होंगे। बोल भर माली यही सही नहीं है, ठीक है, बाकी तीन सही हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में कभी पूछा जा सकता है कि पागी के लेखक कौन है, चंद्र प्रकाश देवल, कोड मदे के लेखक कौन है, मेघराज मुकुल, मढ़ी मधुकर के लेखक कौन है, पग फेरे। तो इस तरह से आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है इसमें, गबरी देवी जिस गायन से संबंधित थी। गबरी देवी आपको पता है हत्याकांड हुआ था, बहुत न्यूज में थी ये, तो गबरी देवी किस गायन से संबंधित थी। लांगा मांड तालवंदी ठुमरी, तो मांड से संबंधित थी, ठीक है। नारी संत दयावाई शिष्या थी, संत चरणदास की, संत निम्बाकरचार्य की, संत रैदास की या संत रामचरण की, तो कौन थी वो, तो संत चरणदास की थी। ग्रासिया जनजाति से संबंधित शैली है ग्रासिया, तो ग्रासिया कौन सी नृत्य शैली करता है। ग्रासिया एक राजस्थान की जनजाति है, मैं आपको बता दूं, और ये लूर नृत्य शैली करती है, लूर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विजय दान बेदी था के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजय दान देता कौन है, ठीक है, तो विजय दान देता, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा कि विजय दान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर, तो बहुत फेमस कहानी है, चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चरणदास चोर के लेखक कौन है, तो है विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संपादक थे। तो इसमें दोनों सेंटेंस सही हैं, इसका 4 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये पूछा है, ये पर्वत शिखर है, पीक है और ये कंट्री है, तो उन्होंने मिलाने के लिए आपको दिया है, ठीक है। तो आप समझिए, अल्ब्रुस, अल्ब्रुस आपको पता है, एल्ब्रुस, एल्ब्रुस कहाँ पर है, रशिया में,
तो एक का चार हो गया। किलीमंजारो, आपको पता है किलीमंजारो न्यूजीलैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तंजानिया में, तो आपको पता है किलीमंजारो तंजानिया में है। उसके बाद माउंट मैकाले, आप जानते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो माउंट कुक ये न्यूजीलैंड में हो गया। कुक स्टेट भी न्यूजीलैंड में, आपको पता होगा। तो एक का चार, यानी एक का चार मतलब ये होगा या तो बी या दो या तीन होगा, फिर है किलीमंजारो का है तीन, तो यानी आंसर क्या होगा आपका, बी का, बी का तीन, यानी ये हो गया तीन आंसर है। ठीक है, तीन है, एक पीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जैविकता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। अमॉन्ग द मैथमेटिकल इंडिकेट्स फॉर द मेजर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच वन ऑफ द मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द इन ए हैबिटेट एट द लोकल स्केल, तो कौन सा है जो गणितीय सूची में, तो वो है इसमें अल्फा सूचकांक, अल्फा इंडेक्स। ठीक है, अल्फा जो है वो बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है, कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें दिया हो इंडस्ट्रियल रीजन एंड कंट्री, रूर, जैसे रूर है, पूछा है कि नॉट करेक्ट मैच, रूर जो है जर्मनी में है। ठीक है, रूर जर्मनी में है और यहाँ पे कोयला उत्पादन होता है। दक्षिणी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड को किसे कहा जाता है, तो किंगडम, तो दक्षिणी न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम को तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि यूनाइटेड किंगडम खुद भी उत्तर में है, तो यही गलत होगा। ठीक है, पो घाटी इटली को कहा जाता है, कांटो मैदान, कांटो मैदान है वो जापान को कहा जाता है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है और कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है। रूर आपको पता है कि कोयला रीजन है जो जर्मनी में है, कोयला और लोहा दोनों चीज यहाँ पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि नहर और जोड़ती है किस, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन सी नहर किसको जोड़ती है, तो पहले आप इजी देखने की कोशिश करेंगे, जैसे स्वेज नहर है, स्वेज नहर आपको पता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर के जोड़ती है, पहले डी का एक लेकर जाइए। ठीक है, डी का एक, इसमें दो में दिया हुआ है कि समझ गए आप, आंसर या तो एक है या फिर तीन है। ठीक है, उसके बाद है पनामा, पनामा आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में है, तो और कैरिबियन सागर और पैसिफिक के बीच में, तो देख लेते हैं, पनामा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही है, पनामा जो है वो सी का तीन यानी यहाँ है, तो ये तीन आंसर मिल गया। ठीक है, तो यानी हमने सी देख लिया, हमने डी देख लिया, सी का मतलब है कि तीन और डी का मतलब है एक, ओके, नहीं, सी का तीन है तो सॉरी ए आंसर होगा इसका। ठीक है, ए है, सी में तीन, तो आप एक बार देख लेते हैं, जो कील है वो किसको बनाता है, कील एल्ब एस्चरियन बाल्टिक सागर, उसके बाद है सू, सू किसको करता है, यह है सुपीरियर झील और हारून झील को, तो ये कुछ कैनाल हैं जिनके बारे में पूछा गया है, फ्यूचर में भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कील जो है वो कैनाल एल्ब ऐश्वर्य और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, सुपीरियर झील और हारून को जोड़ती जोड़ती है, पनामा अटलांटिक ओशियन और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और स्वेज नहर और मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाटी में स्थित नहीं है, तो पूर्वी घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, गली कोंडा सिलहेर सिंकराम मधुगुल्ला, तो उसमें सिलहेर नहीं है पूर्वी घाटी में, कौन सा सुमेलित नहीं है,
ये कृषि का नाम है, ये राज्य है, ठीक है, स्थानांतरित यानी झूमिंग कृषि, झूमिंग एग्रीकल्चर है और ये राज्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके किसी लेवल पे पूछा जा सकता है। पोंडू मासा पोनम झूम, आपको झूम पता है, उड़ी असम में झूम कहते हैं, तो ये भी ठीक है, सुमिलित नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो पोनम ये भी केरल में है और पोंडू उड़ीसा में, मासा हिमाचल में नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर गलत है। तो आपको ये याद रखना है कि पोंडू कहाँ पर है, उड़ीसा में है, पोनम केरला में है और झूम असम और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, और मासा आपको देखना है कहाँ पर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची को मिलाना है। सूची वन को सूची टू से मिलाइए। भारत के संरक्षित क्षेत्र वर्ष 2018 में सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व से कितने हैं, तो एक का दो सही है 46, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है 23 का ए, एक में मिल गया। और कंजर्वेशन पार्क कितने हैं, एक का 4, ये है 76। और राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय पार्क आप जानते हैं 103 है। और वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, 544। तो कभी आपसे पूछेगा वन्य जीव अभयारण्य यानी नेशन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सबसे ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है कहीं भी। कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं, 46। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 76। और राष्ट्रीय नेशनल पार्क कितने हैं, 103। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, 544। तो सबसे ज्यादा ये है। अब लिखिए वेल, व्हाट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है क्या, कृषि प्रौद्योगिकी, GaAS और सेल, परमाणु तकनीक, सीडेक। तो जो वेल है इसरो के सहयोग से कौन सी चीज बनाता है, तो वो है दो यानी GaAS। तो इसका तीन दो आंसर सही है, सौर सेल, ठीक है। तो सौर सेल का जो निर्माण है वो वेल इसरो के सहयोग से करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमने 50 क्वेश्चन को लिया है क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन है, एक्सपेंड भी करना है, तो तीन पार्ट में बनेगा ये। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। ये पर्वत है और ये जिला है, ठीक है। तो जालौर, बरवाड़ा, झारोला, रघुनाथगढ़, भानगढ़, ये एकदम स्टेट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो झारोल है, झारोला जालौर में है, एक का दो यानी ये आंसर हमें मिल गया है एक, ठीक है। उसके बाद है बरवाड़ा कहाँ पर है, जयपुर में है, ओके। अलवर में कौन सा माउंटेन है, भानगढ़, और सीकर में है रघुनाथगढ़। तो ये लोकल नाम है, आप इनको जो लोकल की बुक्स वगैरह आती हैं वहां से इनको देख सकते हो आप लोग, ठीक है, जो स्थानीय मैगजीन है बुक्स है उसमें देख सकते हो, और ये बहुत सिलेक्शन में बहुत रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन श्रेणियों का विस्तार है। विंध्यन श्रेणी आप जानते हो, जैसे इसलिए अगर मैप हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो श्रेणी है ये विंध्यन श्रेणी है, ये ठीक है, जो अरावली के साउथ से वेस्ट टू ईस्ट है, ये विंध्यन श्रेणी है। तो पूछा है विंध्यन श्रेणी कौन सा विस्तार है, मुकुंद्रा पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरिबा पर्वत, गिरिबा हिल्स, तो कौन सा है इसमें जो ठीक है, 26 का है मुकुंद्रा पहाड़ियां। तो मुकुंद्रा पहाड़ियां ये आपको पता है, ये भीलवाड़ा बांसवाड़ा के पास में है, तो ये विंध्यन पहाड़ियों की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें परियोजनाएं दी हैं और लाभांवित जिले दिए हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था 2018 में, तो 27 का है इसमें ए आंसर है, यानी सिंध मुखम परियोजना कहाँ किस जिले में शुरू होती है, हनुमानगढ़ और चूरू में। ये आपको भी लोकल जो राजस्थान की बुक्स हैं उनमें आपको मिलेगा, बाकी आप देख लीजिएगा ए किसका राइट आंसर है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। 28 की बात करें, ओके हाँ 28 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका है 4, यानी केवल आ। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। और अरावली दक्षिण पश्चिम हवाओं को समानांतर है, दक्षिण पश्चिम हरा हवाओं के लिए साउथ वेस्ट, ठीक है। तो उसे पूछा है सा अति तीव्रगामी हवाओं की उत्पत्ति, उसमें पूछा है उसमें है कि मई जून के महीने में जो उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां राजस्थान में क्यों आती हैं, तो अरावली की समानांतर इस वजह से नहीं आती हैं, तीव्र हवाएं चलती हैं ऐसा भी नहीं है। तो इसका ए आंसर सही है, कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति। संवहनी धाराओं का मतलब है जब हवाएं वर्टिकल चलने लगती हैं, लंबवत चलने लगती हैं, उनको हम संवहनी धाराओं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 कहता है कि संगमरमर एवं विकास संरक्षण नियमावली कौन सा 2002 में आई थी, और उसके बाद राजस्थान खनिज नीति 2015 में आई, ये भी सही है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 में आई है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियास रियायत नियमावली 2016 में आई, तो इसमें सभी सही है, ठीक है। ये भी राजस्थान के स्पेशल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी खनिजों के लगभग अकेला उत्पादक राज्य, यानी कौन सा ऐसा खनिज है जो केवल और केवल राजस्थान में उत्पादित किया जाता है, तो एक बात बता दिया आ ब सा। हाँ इसमें सीसा एवं जस्ता, ठीक है। उसके बाद है बोलेस बोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, इसका 4 आंसर सही है। ताम्र और राज्यों में भी होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि केवल राजस्थान में, तो इसमें ये आंसर है डी। 31 का क्या है, वर्ष 2017-18 में दिसंबर 17 तक में राजस्थान में कौन से क्षेत्र सर्वाधिक कच्चे माल का उत्पादन प्राप्त हुआ है, तो जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ उत्पादन हुआ है, तो 31 का, हाँ तो 31 का राइट आंसर है वो है 3। है ना, जैसलमेर बेसल में, जैसलमेर में सबसे ज्यादा तेल प्राप्त हुआ है। जनगणना उसके बाद है इसमें, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। तो 32 का है इसमें 3, 21.87 एवं 34.15, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा है भारत की नगरीय जनसंख्या एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा ये भी रखना था कि नगरीय जनसंख्या राजस्थान की ज्यादा हो, मतलब ज्यादा होगी पूरे भारत से, क्योंकि हम केवल राजस्थान की यहाँ बात करते हैं, तो 34.15% राजस्थान में है और पूरी इंडिया में कितनी है 21.87%, 32 का सी आंसर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है ना, तो विच एमंग द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन राजस्थान, जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग, तो कौन सा है इसमें, 33 का है सी 3, आबादा, यानी जस्ता होता है, सीमेंट होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं, और ये संगमरमर उद्योग, तो ये चीज आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग खनिज आधारित नहीं होता है, मिनरल थोड़ी लगता है वायर में, बताइए। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या की न्यूनतम है, यानी वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या है वो टोटल से सबसे कम है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित एसटी जनजाति। ठीक है, तो 34 का क्या होगा आंसर इसमें, वो है बीकानेर और नागौर। 35 का आंसर क्या है, पंचप्रदा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त तो उपक्रम है। तो पहली बात तो है पचपादरा, तो पचपादरा ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, बाड़मेर में है, और ये किसका संयुक्त उपक्रम है। तो 35 का क्या है इसमें, 4 यानी HPCL का ये संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, कौन सा सुमेलित नहीं। तो 36 की अगर हम बात करें तो जिला पूछा है, शुभांकर पूछा है, हर जिले का अपना अपना यहाँ पे शुभांकर है। तो भीलवाड़ा का मौर है, चुरू का कृष्णमृग है, सवाई माधोपुर का शेर है, जैसलमेर, देखो शेर नहीं हो सकता, ठीक है, लाइन नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल है। 37 का देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1900 के तहत हुआ था, कौन सा निर्वाचन 1919 के तहत हुआ था भारत का केंद्रीय निर्वाचन। तो दैट इज 37 का क्या है, 1945 विधानसभा चुनाव है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो और दूसरा ए है, और 1926 का और 1900 ये का, तो इसका सी आंसर है, ए और सी। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, तो ये है श्रीमान नारायण अग्रवाल। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है, यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचक की प्रणाली थी, प्रत्यक्ष तो नहीं था। ठीक है, तो आप यहीं पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है, तो ये प्रत्यक्ष पे भी नहीं थी। कौन सा सही है, ओके कौन सा सही है पूछा है, तो ये ए सही है, बहुदलीय संरचना नहीं थी, नहीं बहुदलीय संरचना थी, एक और डी सही है इसमें। ठीक है, तो ए आंसर है इसका, 39 का ए आंसर है। संविधान सभा की बात कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं 40 की, भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के आय न्यायालय न्यायाधीश की आयु ऐसी प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अंततः स्थापित किया गया है। तो जो राष्ट्रपति की न्यायाधीश की जो आयु है वो किसके हिसाब से होगी, तो किस अमेंडमेंट में ये किया गया है। ठीक है, तो है ये 15वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये है इसका राइट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है वो निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है, और ये किस संविधान संशोधन में था, ये था 15वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों को सही क्रम कीजिए। तो 41 का राइट आंसर है इसमें, थ्री। ठीक है, तो ये क्रम से लगाना था, तो पहला गोपालन बना मद्रास राज्य, फिर गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, तो इसका एक बार क्रम से आप लोग देख लीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? स्वर्ण सिंह समिति वही समिति है जिस आधार पर मूल कर्तव्यों को लाया गया था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को लाया गया था 76 में। तो कौन थे जो उसके मेंबर थे, ठीक है, तो वो थे इसमें ए बी डी यानी ए आर अंतुले और बी एस एस रे और डी सी एम स्टीफन। तो ये ए बी डी तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघीय राज्यों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 240 ए, 240 वन बी, 240 ए सी, 240 ए डी। तो कौन सा संबंध सही नहीं है, ठीक है, तो 43 का इसमें है ये 240 सही नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन है जो पॉलिटी के हैं, करंट में करंट के क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा गंभीर खतरा है? तो कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने ऐसी अपनी शक्तियों का उद्घोषणा करते हुए किया था? तो 25 जून 1975 को। आपको पता है भारत में इमरजेंसी पहली बार 1975 में लगाई गई थी मिसेस गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 था, अब देखते हैं 45। पांच क्वेश्चन और बाकी हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र में या एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो ज्वाइंट सिटिंग बोथ हाउसेस या ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, इन द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ सेशन ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, ठीक है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा इसका, तो वो है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, जब दोनों के साथ बैठते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दो ही जगह देता है, पहली बात तो जब लोकसभा पहली बार चुनकर आती है उसके बाद जो साल का पहला सत्र होता है ना, ईयर का फर्स्ट, जिसको हम बजट सेशन भी कहते हैं। तो याद ध्यान रखना है राष्ट्रपति संसद को दो समय अभिभाषण करता है, संबोधित करता है, लोकसभा की पहली बैठक में और दूसरा है हर साल शुरुआत में। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमन के अंतर्गत 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो कितने मामले उठाए जा सकते हैं लोकसभा सदस्यों के द्वारा, तो वो है 20 मामले, ठीक है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमन के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि कितने भी आप मामले उठा लोगे, एक लिमिट है 20 मामले। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी। विच फॉलोइंग द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, तो 47 का राइट आंसर है इसमें सी, एक ए बी सी, एक भी है, बी भी है, सी भी है, ठीक है। तो केवल इसमें ये नहीं है, ए बी सी ये तीनों हैं जो वित्तीय समितियां हैं, ठीक है, फाइनेंस कमेटी हैं तीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अब ये तीनों लास्ट क्वेश्चन है, हम 50 ही करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो हटाने की प्रक्रिया है वो किसके समान है?
एक बात बताएं आपको, नियंत्रक महाप्रलेक्षक जो प्रक्रिया है वो भारत के उच्चतम न्यायाधीश के समान है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC की स्थापना किस अनुशंसा पे की गई थी, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर है इसमें संथानम कमेटी। तो संथानम कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? तो जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिगेशन वॉज ओरिजिनेटेड, तो जो पब्लिक जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ और किस देश में हुई? कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में? तो वो हुई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जनहित याचिका का मतलब है कि कोई भी किसी के लिए कोर्ट का दरवाजा के खटखटा सकता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो हमने देखे RAS के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये हम 3 पार्ट में लेकर आएंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस दिशा में तैयारी करनी है और हमें आगे किस लेवल तक RAS के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।